हम लोगों ने अनुमान लगाया था जब जब लॉकडाउन खत्म हुआ, दिल्ली में तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, तो केंद्र सरकार ने एक फॉर्मूला बनाया हुआ है ये अनुमान लगाने के लिए कि आज जिस गति से केसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, उसके हिसाब से अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, फिर अगले महीने कितने केस हो जाएंगे, ताकि उसकी तैयारी की जा सके। तो जो केंद्र सरकार का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोगों ने जून के पहले हफ्ते में अनुमान लगाया था कि अगर इसी रफ्तार से केसेस बढ़ते रहे तो 30 जून को कितने केस हो जाएंगे, 15 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे और 31 जुलाई को कितने केस हो जाएंगे। और वो अनुमान हमने आप सब लोगों के सामने रखा था। उस अनुमान के मुताबिक 15 जुलाई को, 15 जुलाई तक ये अनुमान था कि आज तक 2.25 लाख केस होने का अनुमान था उस फॉर्मूले के हिसाब से। जून में जिस तेजी से केस बढ़ रहे थे पहले हफ्ते में, उसके हिसाब से केंद्र सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से आज तक 2.25 लाख केस हो जाने चाहिए थे दिल्ली में टोटल। उसमें से 1,34,000 एक्टिव केसेस होने चाहिए थे और इन एक्टिव केसेस के लिए लगभग 34,000 बेड्स की जरूरत थी। लेकिन पिछले 1.5 महीने में जिस तरह से हम सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके, दिल्ली सरकार ने मिलके, केंद्र सरकार ने मिलके, सब लोगों ने मिलके जो प्रयास किए, आज अनुमान था कि 2.25 लाख केसेस होंगे, लेकिन हकीकत में आज उसके आधे केसेस हैं। 1,34,000, 1,15,000 केसेस आज हुए हैं। आज हमारी जो स्थिति है इसके लिए, और जो आज स्थिति को हमने पिछले 1.5 महीने रात दिन मेहनत करके हम लोगों ने ठीक किया है, इसके लिए मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, खासकर दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों का, उन सब लोगों का। अगर दिल्ली सरकार ये सोचती कि इसको हम अकेले जीत लेंगे तो हम फेल हो जाते हैं, इसलिए हमने सबका साथ मांगा। हम केंद्र सरकार के पास भी गए, हम होटल वालों के पास भी गए, हम प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास भी गए, हम बैंक्वेट हॉल वालों के पास भी गए, हम एनजीओज के पास भी गए, हम धार्मिक संगठन वालों के पास भी गए, हम सबके पास गए। आज मैं सभी पार्टियों का, बीजेपी का, कांग्रेस का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।